हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज हम दो स्पेशल टाइप के स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं। एक है ओनली अ फ्यू एआरबी और दूसरा है ओनली एआरबी। तो ओनली एआरबी से तो काफ़ी लोग फैमिलियर होंगे, बट ओनली अ फ्यू एआरबी कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने यहाँ पर एसबीआई के एग्ज़ाम दिलाए थे। और अगर आप आईबीपीएस 2019 फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट इस बार आईबीपीएस 2019 में पूछे जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। तो जैसा कि इस बार एसबीआई ने एग्ज़ाम लिया तो यहाँ पर ओनली अ फ्यू एआरबी के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमको देखने मिले। अब यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर आंसर्स जो है वो गलत मार्क करके आए। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ओनली अ फ्यू एआरबी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आंसर जो है एक्यूरेट नहीं टिक कर पाएंगे। तो एक्यूरेसी के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई हम यहाँ पर रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, और रीजनिंग में हमेशा कॉन्सेप्ट की बातें होती हैं, रटने वाली बात नहीं होती, हमेशा हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओनली अ फ्यू एआरबी। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि सिर्फ ए का कुछ पार्ट बी है, ओनली अ फ्यू एआरबी, बट बी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं बोला है। तो सिलॉग में हमेशा याद रखना, जो स्टेटमेंट देता है उसमें जो पहला यहाँ पर एलिमेंट होता है ए, ये हो जाता है हमारे लिए सब्जेक्ट, और बी जो है ये हो जाता है हमारे प्रेडिकेट। हमेशा सब्जेक्ट रिलेटेड बात होती है, प्रेडिकेट रिलेटेड कोई भी बात नहीं होती। यहां पर ए का कुछ पार्ट वो जो है वो बी है, बट बी से रिलेटेड यहां पर बात नहीं हुई है। तो यहां बी से रिलेटेड हम इनडायरेक्ट बात बोलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ ए और बी के बीच में कनेक्शन तो है, तो बी ए से जुड़ा हुआ होगा, बट यहां पर बाकी जो पार्ट है बी के बारे में यहां पर हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो यहां पर इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए अगर मैं इस चीज का डायग्राम बनाऊं ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो देखो ये दो स्टेटमेंट का मिक्सअप है। एक तो सम ए आर बी, क्योंकि यहां पर बोल दिया है कि सिर्फ ए का कुछ पार्ट बी है, और दूसरा मैं बोलूंगा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो ये दो टाइप के स्टेटमेंट का मिक्सअप है। मतलब ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब मैं दोनों चीज लूंगा, एक सम ए आर बी और एक सम ए आर नॉट बी। तो यहां पर इन दोनों को हम जब मिला देंगे तो यहां पर निकल के आएगा ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो यहां पर डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक डायग्राम जो बनाएंगे हम, कि मैं ले लिया भाई ये ए, तो ए का कुछ पार्ट जो है वो बी है, तो ए का कुछ पार्ट ले लिए वो बी है, और ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है। तो मैं बस इतना डायग्राम बनाऊंगा कि ये जो ए का पार्ट है ये बी है, और ये जो ए का पार्ट बाकी रह गया वो बी में नहीं जाएगा। डेफिनेट है कि ये जो है ये नहीं जाएगा, तो ये पार्ट जो है ए का ये नहीं जाएगा, और ये जो पार्ट है ए का ये बी से कनेक्टेड होगा। तो यहां पर सिर्फ हमको इतना बोला है कि ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्टेड है और कुछ पार्ट बी से कनेक्टेड नहीं होगा। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब बस इतना समझिए कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी दोनों को मिला देंगे तो यहां पर बन जाएगा ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब अगर इससे कंक्लूजन निकालें तो देखिए, क्योंकि ए का जो पार्ट है बाकी जो पार्ट है वो बी में नहीं जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि पूरा का पूरा ए कभी बी में नहीं जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी। बट देखिए जैसा कि मैंने कहा कि प्रेडिकेट रिलेटेड बात यहां पर कहीं पर भी नहीं बोला जाता है स्टेटमेंट में, इसलिए इतना तो डेफिनेट है क्योंकि ए बी से कनेक्टेड है तो बी का कुछ पार्ट भी ए में दिख रहा है, तो ये तो डेफिनेट है कि बी का कुछ पार्ट ए में होगा, सम बी आर ए, ये तो डेफिनेट है। बट यहां पर अगर मैं बोलूं ऑल बी आर ए, तो ऑल बी आर ए यहां पर मेरे लिए कांड से सिचुएशन है, मतलब बी पूरा का पूरा ए में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ बोला है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी में है और कुछ पार्ट बी में नहीं है, बट बी यहां पर पूरा ए में जा भी सकता है, और यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्टेड होगा या फिर पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है। अब यहां पर से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो देखिए, अगर ए रिलेटेड कंक्लूजन निकालेंगे, मतलब रिजल्ट जो निष्कर्ष होता है, रिजल्ट कंक्लूजन अगर मैं यहीं पर ए रिलेटेड निकालूं, तो एक चीज यहां पर निकल के आ रहा है वो है सम ए आर बी, और दूसरा निकल के आ रहा है सम ए आर नॉट बी। और एग्जाम में, एसबीआई के एग्जाम में यहां पर ये पूछा गया था कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो सम ए आर नॉट बी जो था
ये डेफिनेटली ट्रू था, क्योंकि फ्यू ए आर बी बोला है, ओनली अ फ्यू ए आर बी बोला है, तो मैं ये मान लूँगा कि सिर्फ ए का कुछ पार्ट बी है और कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा। तो सम ए आर नॉट बी तो डेफिनेटली ट्रू होगा, सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली ट्रू होगा, तो यहाँ पर इसकी होने की पॉसिबिलिटी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जब हमको पता है कि वो चीज़ सही है तो उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर सम ए आर नॉट बी जो था वो ट्रू था, और यहाँ पर अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा दूंगा तो वो चीज़ हो जाएगा गलत, और सिर्फ अगर मैं सम ए आर नॉट बी अगर देता तो यहाँ पर हम कर देते इसको ट्रू। तो यहाँ पर ओनली अ फ्यू ए आर बी में क्या गलती किया कुछ लोगों ने, कि यहाँ पर उन्होंने इसको मान लिया सम ए आर बी, और सम ए आर नॉट बी सम ए आर बी में कैन नॉट से होता है, तो उन्होंने यहाँ पर सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी को ट्रू कर दिया, जो यहां पर गलत हो जाएगा। तो यह गलती आप दोबारा नहीं करेंगे जब आईबीपीएस के एग्जाम दिलाने जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सम ए आर बी, तो सम ए आर बी तो ये डेफिनेट है ओनली अ फ्यू ए आर बी से, तो इसमें अगर पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बात करूंगा कैन नॉट से की, मतलब ऐसे यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन्स निकल के आते हैं जो कांड से सिचुएशन होते हैं, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वही हमारा जब पॉसिबिलिटी ऐड होता है तो वही हमारे लिए हो जाता है डेफिनेटली ट्रू। बट कभी भी जो चीज़ ट्रू होता है उसमें हम कभी भी पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो उसको हम कर देंगे डेफिनेटली फॉल्स, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रू में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लग सकता। और एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो चीज़ डेफिनेटली फॉल्स होता है, जो चीज़ डेफिनेटली फॉल्स होता है अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो वो भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो गलत है उसमें पॉसिबिलिटी लगा भी दोगे तो भी वो गलत ही होगा, बट जो सही है उसमें अगर पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो जो गलत है उसमें पॉसिबिलिटी लगाओगे तो गलत ही होगा, और जो सही है अगर उसमें भी पॉसिबिलिटी लगा दोगे तो वो हो जाएगा गलत। बट जिसके बारे में हमको नहीं पता, कांड से सिचुएशन डाउटफुल, वही सिर्फ हमारे लिए एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ और कंक्लूजन्स की, तो देखिए यहाँ पर एक और कंक्लूजन पूछा गया था, वो था ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये हमसे पूछा गया था कि भाई ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सभी ए की बी होने की संभावना है। तो देखिए अगर मुझे पता है कि इतना पार्ट जो मैंने ब्लैक से शेड किया है, इतना पार्ट जो है वो डेफिनेटली बी में नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा ए कभी भी बी में नहीं जा सकता, तो ऑल ए आर बी मेरे लिए डेफिनेटली फॉल्स था, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब डेफिनेटली फॉल्स में पॉसिबिलिटी ऐड भी कर देंगे तो भी वो डेफिनेटली फॉल्स होगा, तो ये जो था हमारे लिए डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो यहां पर आप लोगों ने यही गलती करके आया था कि भाई ऑल ए आर बी होने की संभावना आपने सही कर दिया, और यहां पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे देंगे, तो यहां मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो जब हम बात करेंगे ए से रिलेटेड, तो यहाँ पर गिवन है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो मैंने कहा कि भाई ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट, तो हमेशा सब्जेक्ट रिलेटेड बात होती है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड हम यहाँ पर आंसर दे देंगे कि सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी, और मैं बोलूँगा नो ए इज़ बी, तो यहाँ पर हम आंसर्स जो हैं वो दे सकते हैं। बट बी से अगर मैं बात करूँ, तो अगर बी से रिलेटेड बात करूँ तो यहाँ पर कहीं पर भी बी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं बोला है, तो बी से रिलेटेड हमारे पास इनडायरेक्ट आंसर्स आएंगे, और आंसर्स ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, और कांट से भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बी से रिलेटेड बात करूँ, तो देखो बी से रिलेटेड इतना तो पता है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, अगर ए का कुछ पार्ट बी से कनेक्टेड है तो बी का पार्ट भी ए से कनेक्टेड होगा, बट यहाँ पर इतना बोला था कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो हमने ये ले लिया कि भाई इसमें ए का कुछ पार्ट बी में जाएगा और ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा, बट बी का कुछ पार्ट ए में नहीं जाएगा ऐसा कहीं पर नहीं गिवन है, इसीलिए ये जो बी का कुछ पार्ट ए में नहीं जाएगा कोई बोलेगा तो हम यहां पर उसको बोलेंगे कांड से। तो देखिए अगर कहीं पर भी बी से रिलेटेड कंक्लूजन्स आते हैं, जैसे मुझे बोल दिया जाए सम बी आर नॉट ए,
तो देखो यहाँ पर ए से रिलेटेड पता है कि ए का कुछ पार्ट जो है वो बी में नहीं जाएगा, बट बी का कुछ पार्ट ए में नहीं जाएगा ऐसा कहीं पर भी हमारे पास मेंशन नहीं है, इसलिए इसको हम डेफिनेटली ट्रू नहीं मानेंगे। तो ये ना ही ट्रू है मेरे लिए ना ही फॉल्स है, इसलिए मैं इसको एक वर्ड बोलूँगा कांट से, मतलब यहाँ पर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये मेरे लिए होगा कांट से सिचुएशन। और अगर इसमें मैं पॉसिबिलिटी ऐड कर दूँ सम बी आर नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो अगर मैं इसमें पॉसिबिलिटी ऐड करूंगा तब ये हो जाएगा ट्रू, बट जब तक सम बी आर नॉट ए गिवन है तो हम इसको बोलेंगे कैन नॉट से, और अगर इसमें पॉसिबिलिटी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नो बी इज ए की, तो सिंपल सी बात है नो बी इज ए तो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नो का मतलब होता है जीरो कनेक्शन, मतलब ए और बी दोनों अलग अलग हैं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो नो बी इज ए मेरे लिए हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं बी से रिलेटेड, तो बी से रिलेटेड सम बी आर ए अगर पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा मेरे लिए ट्रू, क्योंकि सम बी आर ए तो ये तो होगा ही, क्योंकि ए और बी का अगर कनेक्शन है तो यहाँ पर सम बी आर ए डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँगा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल बी आर ए की, तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास था इसमें इतना नहीं पता है कि ये जो पार्ट बी का है वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सम बी आर नॉट ए ये पार्ट जो है वो जाएगा कि नहीं जाएगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो यहाँ पर हमने बोला कैन नॉट से। और कोई बोल दे ऑल बी आर ए तो ये भी मेरे लिए हो जाएगा कैन नॉट से, क्योंकि इसके बारे में भी हमको नहीं पता कि बी पूरा का पूरा ए में जाएगा कि नहीं। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ, ये ले लिया मैंने ए और ये ले लिया मैं बी, तो देखो यहाँ पर सम ए आर बी दिख रहा है, तो ये जो बी का पार्ट है ये ए का कुछ पार्ट कवर किया है, तो वहाँ पर सम ए आर बी दिख रहा है, और ए का ये जो बहुत सारा खाली पार्ट है ये बी में नहीं जा रहा है, मतलब सम ए आर नॉट बी ये भी दिख रहा है, तो ऐसा भी एक डायग्राम इसका पॉसिबल है, ऐसा भी हम बना सकते हैं। और अगर ऐसा बना तो ऑल बी आर ए ट्रू हो जाएगा, बट अगर ऐसा हुआ तो ये चीज़ फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा कैन नॉट से। और अगर इसी में पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू, तो जब ऑल बी आर ए है तो मैं बोलूँगा कैन नॉट से, बट ऑल बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएगा मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब स्टेटमेंट देखेंगे ओनली ए आर बी, तो ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, तो ओनली को कर दोगे आप ऑल और सब्जेक्ट प्रेडिकेट कर देंगे रिवर्स, तो ये हो जाएगा ऑल बी आर ए। तो यहाँ पर ओनली ए आर बी में हम ऑल बी आर ए बोल रहे हैं, और ओनली अ फ्यू ए आर बी में हम ये बोलते हैं कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी दोनों होगा, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि यहाँ पर ओनली हटा के सम कर दिए और बी और ए यहाँ पर चेंज कर दिए, ऐसा गलती आप नहीं करें। अब यहाँ पर बात करें ओनली ए आर बी की, तो वो हो जाएगा ऑल बी आर ए, और ऑल का डायग्राम जो बनता है वो कुछ इस तरीके से कि भाई ये हो गया बी और ये हो गया ए, तो ऑल बी आर ए। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट में ऑल होता है तो कंक्लूजन्स सम के डेफिनेटली ट्रू हो जाते हैं, और यहाँ पर नो के कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स हो जाते हैं, तो जो डेफिनेटली ट्रू होगा वो होगा सम ए आर बी, दूसरा सम बी आर ए, तीसरा होगा जो डेफिनेटली फॉल्स है थर्ड एंड फोर्थ वो हो जाएगा नो बी इज ए और नो ए इज बी। तो देखो ये जो कंक्लूजन्स थे ये दोनों मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू थे, ये ट्रू है, और ये दोनों हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। तो हमेशा याद रखो जब भी ऑल आएगा तो सम जो है वो डेफिनेटली ट्रू होगा, और जब यहाँ पर नो होगा तो ऑल का स्टेटमेंट है और यहाँ पर अगर कंक्लूजन नो का दे दिया जाए तो वो हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि ए और बी दोनों अलग अलग नहीं होंगे, बट अगर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ए और बी तो यहाँ पर सम ए आर बी और सम बी आर ए दोनों डेफिनेटली ट्रू होगा। नेक्स्ट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर ऑल बी आर ए पूछ दिया जाए तो ऑल बी आर ए अगर हमारे से पूछेगा तो हम यहाँ पर आंसर बोलेंगे डेफिनेटली ट्रू। तो ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू,
बट कहीं पर अगर पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया जाए जो ट्रू है, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा दे दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे लिए डेफिनेटली फॉल्स, तो इसको हम कर देंगे डेफिनेटली फॉल्स। पर अगर मुझे दे दिया जाए ऑल ए आर बी तब क्या होगा, तो ऑल में कभी भी रिवर्स डेफिनेटली ट्रू नहीं, तो अगर ऑल बी आर ए है तो ऑल ए आर बी कभी भी डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, वो एक पॉसिबिलिटी होता है, इसलिए ऑल ए आर बी यहाँ पर मेन ले रहेगा कैन नॉट से, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, और यहीं पर इज अ पॉसिबिलिटी ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं, ओनली अ फ्यू बुक आर कॉपी, ओनली ट्रेन आर बुलेट एंड सम बुलेट आर कॉपी। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ बुक कॉपी में हैं और कुछ बुक कॉपी में नहीं है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ले लिया मैं बुक और ये ले लिया मैं कॉपी, तो बुक का कुछ पार्ट कॉपी में रहेगा और ये जो कुछ पार्ट है ये कॉपी में नहीं जाएगा, तो कुछ पार्ट जाएगा और कुछ पार्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ओनली ट्रेन और बुलेट, तो यहाँ पर ट्रेन और बुलेट है और यहाँ पर बुक और कॉपी है, तो ट्रेन बुलेट का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखोगे तो देखोगे कि भाई यहाँ पर लिखा है सम बुलेट और कॉपी, और सम बुलेट और कॉपी का मतलब ये हो जाएगा कि भाई बुलेट का कुछ पार्ट जो है उसको मैं कॉपी से जोड़ दूंगा, कॉपी से कनेक्ट कर दूंगा, बट ये जो पार्ट मैं कॉपी का कनेक्ट किया हूँ ये बुक वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन के बारे में हमको नहीं पता, क्योंकि बुक और बुलेट के बीच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए बुक और बुलेट को दोनों को दूर दूर रखेंगे क्योंकि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। और नेक्स्ट गिवन है ओनली ट्रेन आर बुलेट, और ओनली ट्रेन आर बुलेट का मतलब हो जाएगा ऑल बुलेट आर ट्रेन, तो ओनली ट्रेन आर बुलेट में हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे लिए ऑल, और बुलेट और ट्रेन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑल बुलेट आर ट्रेन, तो ऑल बुलेट आर ट्रेन का कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये बुलेट दिख रहा है, ये बुलेट पूरा का पूरा ट्रेन के अंदर आएगा, तो ये हो गया ऑल बुलेट आर ट्रेन का डायग्राम। अब देखो ट्रेन और कॉपी के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, बट क्योंकि बुलेट जो है वो कॉपी से कनेक्टेड है और ट्रेन जो है वो पूरा का पूरा बुलेट को कवर करके रखा है, इसलिए ये जो पार्ट है ये बुलेट का भी पार्ट है और ट्रेन का भी पार्ट है, तो ये जो पार्ट होगा ये कॉपी का, बुलेट का और ट्रेन का तीनों का पार्ट होगा, मतलब तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहा है मुझे, तो ट्रेन और कॉपी एक दूसरे से कनेक्टेड अब हो गए। अब यहाँ पर कंक्लूजन देखो, फर्स्ट यहाँ पर लिखा है फ्यू ट्रेन इज कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, फ्यू का मतलब होगा यहाँ पर सम, यहाँ पर ओनली अ फ्यू और फ्यू में कन्फ्यूज नहीं होंगे, फ्यू का मतलब होता है सम और ओनली जब लग जाएगा तब सम और सम नॉट एक साथ आएंगे, बट जब तक फ्यू है तब तक यहाँ पर हम उसको सम लेके चलेंगे, तो सम ट्रेन इज कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, मुझे पता है कि ट्रेन और कॉपी एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ट्रेन और कॉपी एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब सम तो डेफिनेटली ट्रू होगा, तो फ्यू ट्रेन इज कॉपी मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू है, तो ये जो है मेरे लिए ट्रू है, तो जब भी ट्रू में पॉसिबिलिटी ऐड हो जाता है तो वो हो जाता है गलत, क्योंकि जो चीज़ सही है उसकी पॉसिबिलिटी होने की कोई चांसेस नहीं है, इसलिए ये चीज़ हो जाएगा फॉल्स, तो ये हो गया हमारा डज नॉट फॉलो। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, तो यहाँ लिखा है सम बुक इज डेफिनेटली नॉट कॉपी, और यहाँ पर लिखा था ओनली अ फ्यू बुक आर कॉपी, तो ओनली अ फ्यू बुक आर कॉपी का मतलब होता है कुछ बुक कॉपी है और कुछ बुक कॉपी नहीं है, तो सम बुक इज नॉट कॉपी डेफिनेटली ट्रू है, और यहाँ पर डेफिनेटली लिखा है तो इसका मतलब भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, सम बुक इज कॉपी बोलो या सम बुक इज डेफिनेटली नॉट कॉपी बोलो, दोनों बात एक ही है, तो ये हो जाएगा मेरे लिए ट्रू, क्योंकि ये चीज़ तो डेफिनेट है कि बुक का कुछ पार्ट कॉपी डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये हो गया मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं ऑल बुलेट बिंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, तो बुलेट का पूरा बुक होने की पॉसिबिलिटी है, बुक का ये जो पार्ट है ये डेफिनेटली कॉपी में नहीं आएगा, बट ये जो पार्ट है ये कॉपी जो है वो बुक में जा सकता है, बट ये जो इंफॉर्मेशन ट्रेन और बुलेट का है इसका कनेक्शन कहीं पर भी बुक से नहीं दिया है, तो ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, ये ले लिया ए, ये ले लिया मैं बी और ये ले लिया सी, अब अगर इन दोनों के बीच में मैं
नो कर दूं कि नो ए इज़ बी, नो बी इज़ सी, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि ए और सी के बीच में भी नो का कनेक्शन है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा। ए जो है वो बी में नहीं जाएगा, बी सी में नहीं जाएगा, बट ए और सी एक दूसरे में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो जब एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता, ए और सी के बारे में हमको नहीं पता, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ए सी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर बुलेट, ट्रेन और कॉपी के बीच में कनेक्शन है, बट ट्रेन, बुलेट और बुक का कहीं कनेक्शन नहीं गिवन है। इसलिए ट्रेन जो है या बुलेट जो है वो बुक में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, मतलब हर चीज़ होने की एक पॉसिबिलिटी होगी। हर आंसर हमारा कैन नॉट से होगा और पॉसिबिलिटी लग जाएगा तो ट्रू हो जाएगा, मतलब बुलेट बुक में चला जाए ये कैन नॉट से है बट होने की पॉसिबिलिटी ट्रू है, ट्रेन बुक में चला जाए ये एक कैन नॉट से है बट अगर पॉसिबिलिटी लग जाए तो वो चीज़ ट्रू हो जाएगा। वैसे ही ऑल बुलेट बिंग बुक इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो बुलेट की बुक में होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी है कि पूरा का पूरा बुलेट बुक में चला जाए, इसलिए ये भी हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो मेरा ऑप्शन जाएगा तो ओनली वन फॉलो तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो ओनली, यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो टिक करेंगे वो रहेगा टू, ओनली टू एंड थ्री फॉलोस। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं एग्जाम्स में। आगे यहाँ पर हम कुछ वीडियोज़ में और भी क्वेश्चंस देखेंगे सिलॉगिज्म से रिलेटेड। अगर यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे ताकि मैं आपका यहाँ पर वो डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।